पम्पवा का रिजॉर्ट में जो हाथी आया है उसको नहलाया जा रहा है, एकदम फ्री का पानी है गाइस। देखो इतना क्यूट सा हाथी है। चलो बैठो बैठो, अच्छे से जाओ मंजिता, बाय 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 क्यूटी, बाय बाय, लव यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले दो दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूं, तो कल आप लोगों ने फनी डांस वाला ब्लॉग देखा होगा तो काफी मजा आया, स्टेज परफॉर्मेंस किया, उसके बाद रात भर सोने नहीं मिला। तो अयो बातें कर रहा हूं, इधर ये काट रहा है मुझे, क्या हुआ भाई साहब, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे ब्लॉग बनाने नहीं दोगे? देखो फिर इसको पूरा ये पूरा मतलब सबको मतलब परेशान करते रहेगा, कभी इसको कभी हमें, पूरा अभी यहाँ पे काट रहा था और सुबह सुबह इसके नाखून वगैरह काट दिए मैंने। तो एक्चुअली जो है मुझे बहुत दिनों से नींद पूरा नहीं हो रहा है, पूरा काम ही काम, इधर उधर जाना, दौरा दौरी करना। और अभी जो है आज मैं मंजिता को पहुंचाने जाऊंगा हॉस्टल पे, मंजिता का जो भी बीमार वगैरह थे सब ठीक हो चुके हैं, तो इसलिए जाना पड़ेगा मंजिता को, तथा बाय बाय करना पड़ेगा। और कल जाना पड़ेगा मुझे शायद तिनसुकिया, क्योंकि अपना ब्लैक फेंदर की सर्विसिंग करना पड़ेगा नागालैंड राइड जाने के लिए। तो नागालैंड वालों से एक रिक्वेस्ट है मेरा, नागालैंड में जितने लोग भी देख रहे हैं, नागालैंड से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम नागालैंड आएंगे तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, हमें सजेस्ट कीजिए कहाँ पे रहना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए और अच्छी अच्छी जगह। मुझे ऐसी यूनिक चीज़ें देखना है जो कि मतलब पहले लोगों ने नहीं दिखाया अभी तक सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं कि जो मतलब पहले से फेमस हो, आप वो वाले जगह के बारे में मत बोलना, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें जो कि अभी तक फेमस नहीं है, एकदम मतलब हिडन है, मैं वो सारी चीज़ें को जो है एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो मैं और पम्पम भाई लेके आ जाएंगे, तो बाइक में हम इधर उधर करते रहेंगे। कात रहा है, देखो बहुत चालू है, कैमरा जैसे लाता हूँ ये भाग जाता है, जब भी मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ तब बात कर रहा होता हूँ तो पूरा पीछे से काटता है, ये बहुत चालू है, ये हम लोग का मास्टर माइंड। बच्चे काम यार, देखो फिर जा रहा है, एक तो भैया मछली बेचने आया उससे भोग रहा है का बच्चे, यू शैतान का बच्चा, कम हियर। आज हमारे घर पे काफी सारे लक्ष्मियां मेहमान आए हैं गाइस, देखिए यहाँ पे सभी जो है नारियां हैं, केवल एक मर्द यहाँ पे, मैं हूँ अकेला। सब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नारियां हैं और अकेला मैं सिंगल नंबर 1, अकेला जवान। और ये अभी खाना वाना खाने के बाद इसको ले जाना पड़ेगा हॉस्टल, यहाँ पे फिर से खाना वगैरह पक रहे हैं। वाओ क्या क्या सब्जियां, देखो बम्बू चिकन है, कल जो हम लोगों ने श्रिम्प खरीद कर रखा था वो है, बहुत सारी चीजें हैं, तो खाइए एंजॉय कीजिए, मंजिता खाओ उसके बाद जाना है, ठीक है हॉस्टल जाना है आज, इसका बीमार वगैरह सब ठीक हो चुका है। तो अभी मैं नहा लेता हूँ, जब तक लोग खाना वगैरह खाते हैं तब तक मैं नहा लेता हूँ, फ्रेशअप होके जाएंगे हम लोग सीधा हॉस्टल। यहाँ पे जो है पूरा मम्मी लोग है, भाभी लोग है, दीदी लोग है, ये हमारा सबसे छोटी बुआ, बिल्कुल पापा का सेम शक्ल, ये सबसे बड़ी बुआ, और वहाँ पे बीच वाली जो है वो बीच वाली बुआ मतलब मिडल वाली, और वहाँ पे भाभी जी, दीदी और यहाँ पे तोर दीदी, सभी लोग मिलके खा रहे हैं। अभी खाना वगैरह खाने के बाद दोस्तों मैं नहा धो के अभी तैयार हो चुका हूँ मंजिता को पहुँचाने के लिए हॉस्टल पे, तो अभी जाएगी। ये देखो पूरा बैग पैकिंग सेकिंग चल रहा है, मंजिता सेट सेट, हाँ सेट लग रही है अभी बेचारी, देखो हॉस्टल पे जाने का मन नहीं, इसको खोलो ना, एक एक करके डालो नहीं तो फूल जाएगा ये। हॉस्टल लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, ये सब लड़कियों का वजह से जो है इसको हॉस्टल में देना पड़ा, मैं तो नहीं देता हूँ एक्चुअली, उससे भी छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को हॉस्टल में नहीं देना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो लोग जो है 6-7 क्लास में जब आते हैं ना उस टाइम पे देना चाहिए, तब तो थोड़ा मतलब वो लोग का समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत हैंडल कर पाते हैं अपने आप को, इसलिए नहीं देना चाहिए ऐसे छोटा उम्र में। मैं तो अपना बेटा बेटी जो भी आएगा फ्यूचर में उसको कभी नहीं दूंगा हॉस्टल में, कभी नहीं दूंगा। मैं तो दूंगी, जब मेरा बेटा या बेटी हो थोड़ा अच्छे तरीके से अपना देखभाल कर सके उस टाइम पे दे दूंगी, मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगी, मैं नहीं दूंगा। जाओ मंजिता, रेडी रेडी हो गया? हाँ अभी बुखार ठीक हो गया ना, चलो चलते है ना, चलो चलो ओके। ये देखो पैकिंग सब पूरा कर दिया, मंजिता का जितना भी सामान है यहाँ पे डाल दिया है, मम्मी को बाय बाय कर दो, हग कर दो सबको, दादी को, हाँ नानी को, सबको बाय बाय बोलो, हाँ नानी लोग को सबको बाय बाय बोल के आ जाओ, जाओ ये देखो सब लोग यहाँ पे है, सबको बाय बाय बोलो, ठीक है बाय बाय बेबे बोलो। चलो
आओ मंजिता को पैसा मिल गया, पैसा पैसा आओ। चलो बैठो बैठो, अच्छे से जाओ मंजिता, बाय बाय। अभी हम जा रहे थे दोस्तों, तो अभी पोमपोम का रिजॉर्ट पे आए हैं, क्योंकि नैन्सी को जो है मिलना था मंजिता से, काफी दिनों से बोल रही है, पूरा इसका बहुत प्यार करता है इससे मंजिता से, तो एक्चुअली उसे मिलना था बोला है, अभी तक मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, रिजॉर्ट पे लाने का मौका ही नहीं मिला। मंजिता रिजॉर्ट में कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा। दीदी से मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा। और ये हमारा भाई, मेरा मौसी का लड़का, साथ में जाएंगे हम लोग, क्योंकि दीता ये भी मेरी भांजी है, तो इसे भी पहुंचाना है, ये जो है जेएनबी में पढ़ती है, तो जेएनबी में सबसे पहले इसको छोड़ेंगे, उसके बाद मंजिता को छोड़ के साथ में आ जाएंगे ना, और यहाँ पे हम लोग का भांजी ये भी जा रही है साथ में। अभी हम महादेवपुर में पहुंच चुके हैं दोस्तों, अभी यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, तो जेएनबी में सबसे पहले जाएंगे, पहले ये वाले भांजी को पहुंचा के उसके बाद मंजिता को, तो यहाँ पे बिस्कुट वगैरह ले रहा हूँ हॉस्टल पे ले जाने के लिए। ले लो किमान है सर। अभी पहुंच चुके हैं अपना पहले भांजी के स्कूल पे जेएनबी में, तो सबसे पहले इसे छोड़ेंगे, उसके बाद मंजिता को। मंजिता पूरा आधा रास्ते में सो गई थी पूरा, देखो ना। चलो भांजी को अभी यहाँ हॉस्टल पे छोड़ दिया है, तो अभी मंजिता का बारी। मंजिता का यहाँ से लगभग 5 से 10 मिनट का रास्ता है, उसका तो उसको पहुँचा के वापस भी जाना है हमें, काफ़ी रात होने वाला है, रात को बहुत ठंड लगता है यहाँ पे, थोड़ा सा लेट हो गया, 12 बजे आने से ठीक था, अभी 3 बज चुके हैं। लेट्स गो, कम ऑन। अभी सो मत जाना। अभी हम मंजिता के हॉस्टल में भी पहुंच चुके हैं गाइस, और यहाँ पे पूरा बच्चे लोग खेल रहे हैं, देखो फुटबॉल ग्राउंड में एकदम फीट रहते हैं, तो चलो तेरे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं, ये देखो कौन कौन है, ये भी तेरा दोस्त है। खुश आ जाओ, अभी इसे जो है अंडर में छोड़ते हैं सामान वगैरह। बहुत दिनों के बाद हॉस्टल में मंजिता। अभी मंजिता का जो भी सामान वगैरह था सब यहाँ पे निकाल दिया है, गर्म पानी पीना पड़ेगा क्योंकि इसको जो है कफ हुआ है, और दवाइयाँ वगैरह एकदम टाइम टू टाइम लेते रहना, ठीक है, टाइम इसको समझा दिया है सब कुछ, तो अभी यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। खाली बैग को तो मैं वापस लेके जाऊँगा, बस सामान ये सब है, ज़्यादा तो है नहीं। कहाँ गया सिस्टर को बुलाओ, तो अभी सिग्नेचर वगैरह जो भी करना था कर दिया, सिस्टर लोग भी चर्च पे गए हैं, तो यहाँ पे इस सिस्टर से हम लोगों ने जो है वो सब कर लिया है, तो अभी जाओ ठीक है, ये सब सिस्टर को दे दो जमा, बिस्किट वगैरह ना, ठीक है बाय बाय। ओ इसे ले लो, भूल मत जाना, गर्म पानी पीते रहना, ठीक है, ठीक है, बाय 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 बाय। ठीक है जाओ, बाय बाय, अच्छे से रहना, पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है, अभी बीमार मत होना बार बार, ठीक है। तेरे नाम लेकिन क्यूट लग रहा है, हेयर कट तेरे नाम वाला ना, ठीक है बाय बाय। चलो चलते हैं, अभी भी थोड़ा थोड़ा खांसी है ना, कब ये देखो मामू का बात सुनो, ठीक है, बाय बाय क्यूटी, बाय बाय, लव यू। चलो अभी बैग को मैंने पूरा पीछे में ले लिया है, क्योंकि बांध के ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पूरा ब्लैक ब्लैक, देखिए गाइस सब ब्लैक, अपन बस दिल काला नहीं है अपना, तो अभी मंजिता को छोड़ के जा रहे हैं। एक्चुअली पहले पहले जब हम लोग छोड़ने आते थे तो थोड़ा सा इमोशनल वाली फीलिंग आती थी, आजकल थोड़ा सा एडजस्ट हो चुके हैं हम भी, वो भी एडजस्ट हो चुकी है, तो आई थिंक मैं 1 साल तक ही उसे रखूंगा यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो है उसको यहाँ से निकाल के मैं स्कूलर बनाऊंगा, तो फिलहाल हम चले जाते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों पोमपोमवा का रिजॉर्ट पे मंजिता को छोड़ के, तो हम आ चुके हैं, काफ़ी लंबा सफ़र था तो थोड़ा स्लोली स्लोली आया, अंधेरा होने से पहले पहुंच गया, बट मुझे लगा था अंधेरा हो जाएगा, और यहां पे अपना मोनू दोस्त बैठा हुआ है। ओए सुनो, डांस बढ़िया किया ना ये लोग का वजह से, इसका और इसका वजह से डांस करना पड़ा मुझे, तुमको एकदम पैरालाइज जैसा लग रहा था पैरालाइज। हाँ मेरा एक गलती हो गया था दोस्तों, मैं लूंगी को ज्यादा ऊपर ऊपर कर दिया मैंने, एक्चुअली मैं उसको नीचे रखना चाहता था, बाल को खींच के, ये अगर बाल अगर खींच के अगर गिरता था तो इसको नहीं छोड़ता हम। और भैया का क्या हो गया, ये पंपोमवा का चक्कर में हाथी के ऊपर चढ़ा हम, पूरा पैंट फट गया, हम इसे हाथी कान में पकड़ के हाथी का क्या पहन के आया था देख लो, अभी देखो ना चड्डी पैंट फाड़ दिया हाथी का ऊपर चढ़ने का चक्कर में, अरे बाप रे बहुत भयंकर।
भयंकर जगह में फंसा है। हेलो मैडम। हेलो। नहा लिया क्या? नहीं, वो बीमार होने से नदी में जाता है। हाँ, बीमार होने से नदी में जाके बीमार को भगा के आता है ना। सही है। यहाँ पे देखिए गाइस, पंपमवा का रिजॉर्ट में जो हाथी आया है उसको नहलाया जा रहा है, एकदम फ्री का पानी है गाइस। देखो इतना क्यूट सा हाथी है, तो जो भी आना चाहता है एलिफेंट राइडिंग आराम से यहाँ पे कर सकता है। भाई क्या नाम है हाथी का? लोकी। अच्छा, अरे भाई ये तो थोर का भाई निकला यार, लोकी, गॉड ऑफ मल्टीवर्स गाइस। वाओ, अभी इसका ऊपर चढ़ना पड़ेगा, आज तो नहीं होगा, कल मैं इसके ऊपर चढ़ के एकदम इसका राइड का मजा लूंगा। अरे टट्टी कर दिया पीछे, हेलो की तत्ती कर दिलवानू। अभी मैं घर पहुंच चुका हूं दोस्तों, काफी रात हो चुकी है, पूरा फटाफट से आया और जेरी यहां पे पूरा काम कर रही है खाना वगैरह पकाने का। ओ बाप रे, इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया केले गाय समीर भैया ने भेजा है ना। हाँ, फिनिश कर नहीं पाऊंगा। हाँ। मैं तो ये पूरा 5 तो खा सकूंगा मैं आराम से 5 तो। और यहाँ पे डूड पूरा गर्म हो रहा है गाय से, देखो समीर भैया की तरफ से। और हम लोग का छोटा डॉन, ओए छोटा डॉन मीठा है। अच्छा ये गाबूजी भी खाएगा, देखो कैसे देख रहे खाने के लिए। खाओ खाओ, मत गिराओ नो, खाओ देखो ये गेजू करता है, ऐसा गेजू मत करो, ये मेरा गोदी पे आने का चांस ढूंढ रहे बस। अभी इसे दिया नहीं खाया, अभी मेरा वाला देखो पूरा छीनने के लिए ढूंढ रहा है। नो इसे देखो ना। खुद का वाला नहीं खाता है, अभी खा रहा है देखो। चालू है। खाओ पूरा खाओ, छिलके को नहीं खाना है। अभी डिनर करने का टाइम है दोस्तों, जेरी ने आज पूरा स्पेशल सब्जी बनाई थी, ये वाला बीन्स एंड मछली का डिब्बा जो मैंने उसके लिए लाया था उससे। और यहाँ पे दोपहर का चिकन बचा हुआ बम्बू चिकन, और दोपहर का ही सब्जी ये देखिए झींगे और मूली की सब्जी, तो उसी के साथ हम जो है डिनर कर रहे। दीदी जो है पानी पी रहे अभी फिलहाल, वो नहीं करेगी डिनर, साथ बाद में करेगी। मम्मी भी जो है बुआ जी लोगों के साथ ही गई हुई है वहाँ पे थोड़ा घूम फिरने, तो अभी हम खाना वाना खा के सो जाएंगे। मैं खाना खा रहा हूँ दोस्तों, और इधर में इसे देखो हमारा बेटा को मेरा साथ नहीं छोड़ता है बिल्कुल, क्या कहते हैं जो बच्चे होते हैं ना अपने माँ से जब दूध पीते बच्चे, बिल्कुल वैसे है मेरा ये देखो। ए चुपचाप रहो, खाना खा रहा हूँ ना, नो डिस्टर्ब, ऐसा है। खाना वाना खाने के बाद दोस्तों मैं सीधा आ गया पोमपोम का रिजॉर्ट में गाना वाना गाने के लिए, तो यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, तो बीतुल के साथ भी मस्ती किया, वो अभी जा रहे हैं, तो इमरान भैया भी जा रहे हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ स्टाफ लोग है, पोमपोम भी पता नहीं कहाँ चला गया, अभी आता पता नहीं है। मैं यहाँ पे गा रहा हूँ, पूरा गाते रहूंगा अभी। जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम। सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम। हे हे हा 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 हा, ए हाली हाली पीले, ए हाजर हाजर था, पतन ओ यों सोल सोल, थुनाने ओ ये जाल। ए हाली हाली पीले, हाजर हाजर था, पतन ओ यों सोल सोल, थुनाने ओ ये जाल। ए बातो नानी जे है भे हनो भाई अग्निशा, ए हाली हाली पीले, ए हाजर हाजर था, बतन ओ यो सोल सोल, छुनानी ओ ये जाग। अभी पोमपोम का रिजॉर्ट से भी मैं घर आ चुका हूँ दोस्तों, खूब देर तक गाना गाया, एकदम मजा आया। और मैं अपना फनी हुए में अपना लैंग्वेज में भी जो है ये काली काली आके को जो है ट्रांसलेट किया, जो कि काफी फनी लगा मुझे भी, मैंने जो है फेसबुक पे भी शेयर कर दिया उसे।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते कल एक और नए ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे हम लोग का गाउची बाय बाय कह दो सबको, मेरे आने पर पूरा खुश हो जाता है ये। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।